नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और स्वागत है आप सभी का बिग न्यूज 9 में। आज की खबरों पर एक नजर। पटना के पाटलिपुत्रा स्टेडियम में आज तृतीय बिहार राज्य के सीनियर एवं सब जूनियर रोल बॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ। रोल बॉल अभी दो हाथी से गेम चल रहा है, इंडिया का गेम और अपने बिहार और और इधर औरंगाबाद के बारून में प्रशासन के द्वारा बालू की अवैध ढुलाई को लेकर की गई छापेमारी में 82 ट्रक एवं एक लोडर को जब्त किया गया है। बड़े पैमाने पर ट्रक की जब्ती को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। सोन नदी में अवैध बालू की निकासी, ओवरलोडिंग, अवैध तरीके से शराब के परिवहन व अन्य अवैध कार्यों को रोकने के लिए जोनल आईजी के निर्देश पर औरंगाबाद डीएम के द्वारा गठित टीम के द्वारा बारून के विभिन्न जगहों पर शनिवार के रात्रि में छापेमारी की गई। गठित टीम में उत्पाद अधीक्षक सुनील कुमार, जिला खनिज पदाधिकारी मोहम्मद रियाजुद्दीन, MVVI उपेंद्र राव, बारून थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह एवं SI अश्विनी कुमार सिन्हा शामिल थे। सड़क से गुजर रहे दो पहिया, चार पहिया एवं अन्य वाहनों के जांच, बालू घाट का निरीक्षण एवं अन्य जगहों पर जांच किया गया। थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया, अवैध बालू के विरुद्ध जो छापेमारी की गई है, कितनी गाड़ियां पकड़ी गई हैं और क्या की तरफ से 82 गाड़ी हो गई, AC या प्लस 2 82 गाड़ी हो गई हैं और उसके लिए हम लोग जो है जुर्माने की राशि वसूल कर हम लोग उसको गाड़ियों का जो है निष्पादन करेंगे ताकि जो है रोड वगैरह पे भीड़ विधि व्यवस्था कोई जो है उत्पन्न व्यवधान पैदा ना हो, उसके लिए हम लोग जो है। किस मामले को लेकर ये 82 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं? ये ओवरलोडिंग के ही मामले में ज़्यादा पकड़ी गई हैं और खनन से ही संबंधित है। आपकी टीम में कौन चालान से जो है अधिक क्षमता के जो बालू लदे हुए थे उनको पकड़ा गया है, जिसमें ये सारी गाड़ियाँ सम्मिलित हैं। इस विशेष छापेमारी में कौन कौन शामिल? हमारे तीन एक यूनिट बनी है जिसमें तीन पदाधिकारी के साथ एक पुलिस पदाधिकारी भी हैं, जिसमें उत्पाद जो अधीक्षक हैं और ये MVI साहब हैं और मैं स्वयं हूँ और उसके साथ पुलिस पदाधिकारी में हैं दो पदाधिकारी हो गए, एक अश्वनी जी हैं और एक संतोष जी हैं, जो जिन लोगों के वजह से काफ़ी हम लोग को हेल्प मिला। और क्या यह छापेमारी लगातार चलती रहेगी अवैध बालू? हाँ, इसी तरह से हम लोग आगे जो है इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे कि हम लोग के उससे अवैध खनन परिवहन नहीं हो। इधर रोहतास जिला के सासाराम के स्थानीय शेरशाह कॉलेज के परिसर में एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें रोहतास जिला के अलावा कैमूर जिला के तकरीबन 500 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का आयोजन कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष शशि प्रकाश एवं उनके सहयोगी ने किया, जिसमें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के अतिरिक्त अन्य छात्र छात्राएं भी इस क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया। किस तरह का आयोजन किया गया है? ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर इस क्विज प्रतियोगिता 2018 का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे रोहतास जिला के भगवे दो तीन जिले के 400-500 लड़के भाग लिए हैं, अप्रोक्स 500 हैं ही, 500 बच्चे भाग लिए हैं, जिसमें हम 15 अगस्त के शुभ अवसर पर इसको रखे हैं। 15 अगस्त के दिन पुरस्कार वितरण करेंगे, इसमें हम टॉप फाइव को रखे हैं। जो भी कैंडिडेट इसमें 5 तक आते हैं, अपना स्थान लाते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें उन्हीं लोगों को 15 अगस्त के दिन पुरस्कृत किया जाएगा। और इसमें टॉप वन के लिए हम लोग सिल्वर मेडल रखे हुए हैं और बाकी लोगों के लिए हम लोग अच्छे से सम्मान से, मतलब ट्रॉफी से पुरस्कृत करेंगे उनको अपने कॉलेज के प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट के साथ में।
यही आयोजन आज हम कुछ सोच समझ के किए हैं कि मतलब ताकि छात्रों को अपना कॉलेज में उपस्थिति हो, कॉलेज को दिखाया जाए। मतलब छात्र आजकल के हैं कि मतलब घर बैठ जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सोचा कि कुछ आयोजन ऐसा किया जाए ताकि छात्रों को पढ़ाई में मन लगे। इसलिए हम 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आज 5 अगस्त 2018 को एक प्रतियोगिता 2018 का आयोजन किया। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम शशि प्रकाश पड़ेगा।